सो वेलकम बैक एंड बैक टू द बीजीएम गेमर्स न्यू स्ट्रीम। तो भाई कैसे हैं आप सब? यहाँ पर एक बार फिर से आ चुके हैं हम अपनी स्ट्रीम के साथ। लेकिन भाई आज 100 बंदे पूरे नहीं हुए, पता नहीं क्यों। हो सकता है भाई थोड़े बहुत बिजी हो तब करके भाई कुछ प्लेयर्स नहीं आए हैं यहाँ पर। और भाई यहाँ पर 90 बंदे मेरे ख्याल से ज्वाइन हो चुके थे हमारे रूम के अंदर। और देखना होगा भाई कितने ज़्यादा बंदे भाई यहाँ पर मुल्तानी चूर्ण खा के निकल चुके हैं, फिर कितने बंदे भाई यहाँ पर हैं। फिलहाल रेगुलर खेलने वाले तो ज़्यादातर बंदे आ ही चुके हैं। और SGFZ जो कि भाई टीम नंबर 17 के मेंबर्स है, वो भी वापस आ चुके हैं, जो कि भाई कहीं पर काम गए थे लेकिन आज भाई वापस आ चुके हैं। तो भाई आज गेम देखने लायक होगी ज़रूर से। और भाई देखना होगा भाई उनकी टीम भाई पूरी आई है, वरना भाई 2 दिन से तो उनकी टीम टपक ही रही थी मेरे हिसाब से। लेकिन भाई आज आई है तो देखना पड़ेगा हमें कि भाई वहाँ पर कौन सी टीम क्या कर पाती है। बिलैक भाई और भी टीम आ रखी है, सोलो की टीम आ रखी है, मुजू टीम नंबर 5 रोमन उनके साथ खेलते हुए। और भाई यहाँ पर देख लिया है PBX1 गुरी BR नेगी, यूनिटी के टीम से भी यूनिटी के मेंबर्स आ रखे हैं, 2 टीम मेंबर्स आ रखे हैं भाई यहाँ पर यूनिटी के क्लैन से गंडीगर। और भाई यहाँ पर उनकी टीम जॉपर वाइट, W4 की पूरी टीम, यमराज की पूरी टीम आ रखी है, क्या बात है, क्लच की पूरी टीम आ रखी है, बेबी शार्क की भी भाई पूरी टीम आ रखी है। प्लेन पाथ की अगर हम बात करें तो मिलिट्री बेस से होता है सीधे शिवर्णी की तरफ, डेस्टिनेशन काफ़ी अच्छा है और भाई मिलिट्री बेस काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्ड जाने वाली है, क्योंकि भाई सिटी की तरफ को प्लेन पाथ नहीं जा रहा है, अभी जॉर्जिया की तरफ को। यहाँ पर तो थोड़ी कम टीम हमें देखने के लिए मिल सकती है, बाकी नोवो और अपना मिलिट्री बेस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्ड देखने के लिए मिल सकते हैं। याशियाना और चंकी और रोजॉक में भी स्कॉर्ड जाएंगी और अपार्टमेंट्स भी स्कॉर्ड जाती हैं, तो भाई वहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलेगी। और मे भी हो सकता है एक आसपोर्ट शिवरनी भी जाए, क्योंकि शिवरनी में भाई बंदों को लूट मिलती है। और मिल्टा भी भाई बंदे जा सकते हैं, मिल्टा के अंदर बंदे पता नहीं भाई क्या लूट मिलती है मिल्टा के अंदर बंदों को, मिल्टा के अंदर काफ़ी ज़्यादा बंदे चले जाते हैं, तो भाई उनको पता नहीं कौन सी लूट भाई वहाँ पर मिलती है। देखना हो फिलहाल 2 टीमें 3 टीमें जाती है भाई मिलिट्री बेस के अंदर, टीम नंबर 1 जा रही है, टीम नंबर 5 जा रही है और टीम नंबर 18, तो 3 टीमें भाई लगभग पहुँच चुकी हैं। और भाई देखने को एक स्क्वाड जा रही है भाई जो कि भाई अपनी टीम नंबर 23 है, वो जा रही है नोवो की साइड, और उनके साथ में लगता भाई कोई है जी। टीम नंबर 4 के अकेले में हम भाई मिलिट्री बेस की तरफ आए हैं और पोचंगी की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड जा चुकी हैं, उनको भाई हमें ज़रूर देखना होगा कि भाई पोचंगी की साइड कितनी स्क्वाड जा रही है। और भाई ये देखना होगा किल शॉट अजहर की टीम, क्या ही बात, किल शॉट अजहर अपने टीम नंबर की आसिम भाई के साथ खेलते हुए, जो कि मेरे ख्याल से उनके मामले नहीं। फिलहाल देखना ये होगा कि सबसे पहली फाइट हमें कहाँ देखने के मिले मिलती है, और जैसे ही भाई कहीं पर फाइट मिलेगी देखने के लिए हमें मिलेगी, हम वहाँ पर कैमरा एंगल जरूर घुमाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी फाइट यहाँ पर मिस हो जाए हमारे पास से। लेकिन फिर भी भाई एक आध फाइट मिस हो जाती है तो उसके लिए माफी चाहेंगे। और भाई यहाँ पर देखना टीम ऑफ 4 के नाम क्या तो मिल चुकी है, गन M24 सामने टीम ऑफ 1 के नाम, टीम ऑफ 1 के नाम नॉक कर चुके हैं और बड़े जल्द भाई वहाँ पर वाइप पे जा गए। टीम हम सुनकर ऑफलाइन है तो भाई यहाँ पर कोई फायदा नहीं, टीम ऑफ 4 के टीम हम उसको बड़े इंस्टेंट नौकर इंस्टेंट फिनिश कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पर चलना होगा हमें पोचंग के अंदर में, खास फाइट वहाँ पर नहीं होने वाली, आशियाना के अंदर वहाँ पर फाइट हो चुकी है, समीउल्ला भाई के यहाँ पर फाइट हो चुकी है गंडीगर के साथ। तो भाई वहाँ पर देखना जो कि टीम ऑफ 14 के मामले उसने वहाँ पर मेरे ख्याल से नॉक वगैरह किया है, जी हाँ समीउल्ला के मामले जो कि समीउल्ला ने भाई वहाँ पर नॉक किया था गंडीगर को, उनके एक टीम मामले और बच रखे होंगे गंडीगर के, जी हाँ वहाँ पर टीम नंबर 9 बचे हैं उनके एक टीम मेंबर्स जो कि जोकर वाइट भाई वो बच रखे हैं। सामने दिया गया स्प्रे बेबी शार्ल्ट को, लेकिन भाई बेबी शार्ल्ट को लिटरली उन्होंने 1 HP से भी कम HP पे छोड़ा था, लेकिन भाई वहाँ पर पीछे उनके डेविल भाई और जो कि उनके समय उल्ला थे भाई वहाँ पर कवर देने के लिए आ गए, और बड़े भाई और उनको नॉक वगैरह डाल चुके हैं। और टीम नंबर 24 के या फिर 25 के मामले, जहाँ टीम नंबर 25 के मामले वहाँ पर नॉक कर चुके हैं टीम मैम्बर्स को, किसको नॉक किया गया वहाँ पर, तो भाई यहाँ पर देखना होगा वहाँ पर टीम नंबर 25 के मामले, टीम नंबर 15 के इविल सैम भाई को नॉक कर चुके हैं वहाँ पर, देखना होगा टीम नंबर 15 के बाकी मामले जो कि RDX भाई यहाँ पर देखना होगा उनके, और भाई दाहल पर स्कूबी डू दो टीम मैम्स, और यहाँ पर एक टीम मैम्स के बाद फिनिश किया जाएगा। RDX भाई यहाँ पर देख लिया फिलहाल क्या कुछ कर पाते हैं उनके ऊपर रश करते हो भाई, टीम 25 के मेंबर्स वहाँ पर देखना भाई प्रॉन पड़े वहाँ पर जो कि अपने RDX भाई थे, लेकिन भाई यहाँ पर देखना टीम 25 के मेंबर्स अगर उन्हें स्पोर्ट कर लो बड़े नॉक वगैरह डाल सकते हैं। सामने दिया गया स्प्रे, लेकिन भाई पीछे से एक और टीम मेंबर्स उनके आए और बड़े जिले भाई वहाँ पर नॉक डाल चुके हैं उनको, वहाँ पर उनके एक टीम मेंबर्स उनको बड़े इजीली इंस्टेंट नॉक इंस्टेंट फिनिश कर चुके हैं। उसको भी डोर दाल को मेरे ख्याल से अपने टीम मेंबर्स वो रैंडम थे ताकि तभी भाई उनको बचाने के लिए नहीं गया, उसको भी डोर दाल भाई वहाँ से निकल चुके हैं किसी और बिल्डिंग के अंदर जाते हुए, स्कूबीडू और दाहल को भाई देखना होगा कोई और टीम अगर ज़्यादा क्लोज होती है तो भाई उनकी टीम से फाइट भी भाई जरूर दिखा दी जाए, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि कोई फाइट मिस हो। और मुझे लगता है स्टालबर के अंदर भी फाइट हो सकती है, स्टालबर के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं कुछ टीमें, जी हाँ वहाँ पर सोलो रोहित के एक टीम उसके सोलो रोहित के वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, देखना होगा सोलो वैनम भाई भी वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, डेडली PS अपनी टीम से अकेले बचे, और भाई यहाँ पर देखो टीम 11 के नॉक किया, डेडली PS भाई के पास कुछ है भी नहीं तो मुझे लगता है वहाँ पर ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, और डेडली PS भाई को बड़े इजीली वहाँ पर ठोक दिया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। फिलहाल डेडली PS भाई वहाँ पर भागते हैं लेकिन वहाँ पर सामने अगर प्रोन हो चुके हैं भाई, उनके यमराज भाई उनको सपोर्ट कर चुके हैं,
अमराज भाई को जरूर बजाना चाहेंगे। लोल भाई यहाँ पर फाइट हो चुके, जो कि भाई लोल की टीम के मेंबर, सॉरी वो पानी से डूब कर मर गए। लोल की टीम के मेंबर सादे भाई ऑफलाइन थे तो भाई वो पानी से डूब के मर गए। और एस डी एफ जेड वहाँ पी स्माइल भाई को वहाँ पर, सॉरी पी स्माइल ही थे जी नहीं, पी यासिन भाई, तो उनको भाई मार चुके हैं बड़े इजिली। और भाई यहाँ पर एस जो कि अपने किल शॉट अजहर भाई हैं वो अपनी टीम से बचे हैं अकेले। उनके सामने भाई पूरी स्कोर टीम मेंबर सपना, एस डी एफ जेड, रेड आदि, एसिड पाइथन और भाई उनके एक टीम में जो किल शॉट मैग्नेट, पूरी टीम भाई उनके चारों ही टीम हमसे बच रखे हैं। मुझे लगता है भाई यहाँ पर ज्यादा कुछ कर पाएंगे। और ऐसे जो कि अपने किल शॉट अजहर भाई थे वो दूसरी साइड जा चुके हैं, और मेरे ख्याल से वहाँ पर टीपी भी जो है वहाँ पर भाग थोड़ा बैक साइड जाते हुए, ताकि भाई वहाँ पर क्लोज से एकदम फाइट ना। उसके हाथ में सिर्फ स्कारल और बीएसएस है, जिससे भाई ज्यादा कुछ नहीं फाड़ पाएंगे। और उनके पास वेस्ट है लेकिन हेलमेट नहीं, तो भाई एक बुलेट हेड पे और भाई बंदा खत्म। तो भाई इसलिए वहाँ पर ज्यादा कुछ दिन वगैरह नहीं कर रहे। और भाई देख लिया टीम नंबर 16 के मेंबर, तीन टीम मेंबर्स अब तक ठुक चुके हैं टीम नंबर 16 के, और अकेले टीम मेंबर्स बचे हैं टीम नंबर 16 के सामने। टीम नंबर 8 के मेंबर्स आते हैं और टीम नंबर 8 के मेंबर्स को दिया गया स्प्रे। जी हाँ, टीम नंबर 8 के एक आदमी मेंबर्स को भाई यहाँ पर देखना बड़े इजी भाई वहाँ पर वाइप करते हुए लोल की टीम के मेंबर्स को। टीम नंबर 4 के भी यहाँ पर एक टीम मेंबर से जिनको भाई वाइप कर चुके हैं अपने टीम नंबर 8 के मेंबर्स। दल भाई यहाँ पर फाइट होते हैं, जो कि भाई यहाँ पर फाइट होते हैं टीम नंबर 25 के साथ, मेरे ख्याल से इनकी फाइट हुई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। जी हाँ, वहाँ पर टीम ब्रो के दो टीम मेंबर्स को नॉक कर चुके हैं दल के टीम मेंबर। जी हाँ, दल को स्कूबीडू जो कि दो टीम मेंबर्स बच रखे थे भाई, उन्होंने नॉक डाल दिया है। टीम रॉयल के दो टीम मेंबर्स को प्रो भाई यासीन पड़े हैं यहाँ पर नॉक, और टीम रॉयल स्नेक, बाकी टीम मेंबर्स को भाई इनके देखे जाए अकेले। टीम रॉयल स्नेक अकेले बचे हैं और भाई वो भी ऑफलाइन है, तो भाई इनके बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, देखना होगा भाई टीम यहाँ 25 के मेंबर्स क्लोजिंग करते हैं दाल के ऊपर। दाल को और स्कूबीडू सामने की गई है मोली, स्कूबीडू के ऊपर लग सकती थी मोली लेकिन भाई वहाँ पर थोड़ा कवर में बैठे हैं स्कूबीडू, इसलिए भाई वहाँ पर बड़े इजीली बच चुके हैं। और भाई यहाँ पर देखना होगा दोनों टीम के ऊपर रश कर 25 के मेंबर्स, और भाई सीधा ही घुसना चाहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं दाल को दो टीम मेंबर्स उनका बच रखे हैं। दाल भाई को नॉक कर दिया गया है फिलहाल, यहाँ पर देखना होगा उनके स्कूबीडू भाई नीचे आए। जी यहाँ पर स्कूबीडू भाई निकल चुके हैं यहाँ से, यहाँ बाहर जाकर टीपी भी लेने लग चुके हैं। सामने दिया गया स्प्रे, स्कूबीडू भाई यहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश करते हैं उजी उनके हाथों में, और भाई देख लिया उजी से एक टीम मेंबर्स को नॉक कर चुके हैं, लेकिन पीछे से काफी अच्छा कवर आया उनके टीम मेंबर्स का, और बड़े जी भाई वहाँ पर उनको खत्म कर चुके हैं। और भाई यहाँ पर देखना होगा बी लैक भाई भी वहाँ पर एक टीम नाम सुनो कर चुका था, उनकी टीम तरफ भाई जरूर चली जाए, जो कि बी लैक भाई कहाँ पर उनकी फाइट हो रही, तो भाई उनकी फाइट भी हमें जरूर दिखानी होगी अपने बी लैक भाई की, क्योंकि भाई मैंने उनका नाम जस्ट कहीं पर पढ़ा था अपने बी लैक का, जो कि टॉप पर भी मेरे ख्याल से उनका नाम मैंने कहीं पर पढ़ा था। जी कहाँ गए भाई अपने बी लैक। जी हाँ, ये रहे भाई टीम नंबर 3 के मेंबर्स, जो कि बी लैक के अंदर ये फाइट होती है। और भाई देखने को वहाँ पर टीम नंबर आई एम नू और आई एम प्रो, इनके देख लीजिए कहाँ पर हैं, आज आए हैं कि नहीं। मुझे लगता है भाई यहाँ पर आए हैं, क्योंकि भाई मुझे नहीं, मैंने देखा नहीं था जी। वहाँ पर आई एम प्रो नहीं आए लेकिन भाई आई एम नू आए थे, और भाई वहाँ पर बड़े जल्दी वाइप कर चले गए उनके टीम मेंबर्स को, जो कि भाई वहाँ पर बी लैक के टीम मेंबर्स थे, जो कि वहाँ पर टीम नंबर 3 के मेंबर्स वहाँ पर बड़े इजिली भाई यहाँ पर खत्म कर चुके हैं बदमाश भाई को। और भाई देख लिया किसी और टीम के बीच अगर भाई यहाँ पर फाइट हो रही है तो देखना होगा। जी हाँ, वहाँ पर फाइट हो चुकी है टीम नंबर 1 के मामले, जो कि डेल्टा भाई वहाँ पर नॉक पड़े हैं टीम नंबर 1 के मामले, जिनको मैं खाली टीम नंबर 18 के मामले से नॉक किया, लेकिन भाई वहाँ पर बड़े जल्दी रिवाइव हो चुके हैं दो टीम मेंबर्स को नॉक कर चुके हैं वहां पर। क्या ही बात है, टुन टुन भैया दो टीम मेंबर्स को नॉक कर चुके हैं टीम नंबर 18 के मेंबर्स, और भाई सीधे ही रश करना चाहेंगे। तो भाई यहाँ पर देखना होगा अकेले टीम मेंबर्स बचे हैं वहां पर टीम नंबर 1 के, तो भाई उनके कैमरंगा से दिखा दिया जाए, जो कि अकेले अपने टीम मेंबर्स को रिवाइव दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पर देखना होगा उनके कैमरंगा से हम आपको दिखा दें, ताकि भाई बाद में आप ये ना बोले कि भाई उस टीम मेंबर्स फाइट नहीं दिखा रहे हो। भाई सीधे ही रश कर चुके हैं अपने एसटीडी के मेंबर्स टीम नंबर 18 टुन टुन, और भाई देखना होगा वहां पर सामने से रश कर चुके हैं एसटीडी के मेंबर्स को वहां पर कुछ मिस किया जाएगा उनके एक टीम में, भाई गाड़ी उठाकर भाग रहे हैं, और लिटरली उनको एक बुलेट पड़ेगी और भाई वहाँ पर वो खत्म हो सकते हैं। जी नहीं, फिलहाल वहाँ पर कवर में जाकर बैठ चुके हैं, भाई देखना होगा वहाँ पर मुझे नहीं। जी वहाँ पर भाग, जी वहाँ पर हील वगैरह लगाना चाहेंगे सबसे पहले, उनके पास सिर्फ बैंडेज वगैरह है, ज्यादा कुछ है भी नहीं, और भाई हाथ में एक टॉमी और M24, तो भाई यहाँ पर ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब गए ज्यादा ज्यादा एक आदमी हम उसको वहाँ पर नॉक करेंगे, इससे ज्यादा भाई कुछ कर नहीं सकते। और भाई टीम नंबर 18 जो की है वो सीधा जो कि उनकी एक टीम मेंबर्स नॉक हुए थे भाई, उनकी तरफ भाई जा चुकी है अपनी टीम मेंबर्स को रिवाइव देने के लिए, और अपनी टीम में हम उसको बड़े जल्दी ड्राइव दे देंगे। टीम नंबर 5 भी भाई यहीं पर है, मुजू भाई, रोमन भाई, तो भाई उनकी पूरी टीम भाई यहीं पर है, जेहादी 313, और भाई यहाँ पर देखना उनकी टीम के, मेरे ख्याल टीम नंबर उनकी फाइट हो सकती है किल शॉट अजहर की तरफ। भाई एक बार चल लीजिए, जो भाई वहाँ पर नेट वगैरह करने की कोशिश करते हैं मेरे ख्याल से अपने किल शॉट अजहर उनके सामने। जी हाँ, किल शॉट मैगनेट वहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश करते हैं, और भाई यहाँ पर देखना उनके एस डी एफ जेड, रेड आदि, एसिड पाइथन एक तरफ से घूम चुके हैं, लेकिन भाई
पूरा घुमा रखा है उन्होंने। लेकिन भाई वहाँ पर अगर स्पॉट हो, जी हाँ स्पॉट हो चुके हैं, सामने दिया गया काफी कड़ा स्प्रे, और भाई देखना होगा आप लोग काफी ज्यादा घुमा रखा है अपने क्रिकेट अजर भाई ने घरों घरों के अंदर। मतलब कि भाई यहाँ पर पकड़म पकड़ाई चल चुकी है, हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी कैडी पकड़म पकड़ाई चल रही है। और भाई पापी जी हाल जो कि संग मैंने कहा था टीम ऑफ 514 नंबर 18 के बीच भाई फाइट हो चुकी है, तो देखने का यहाँ पर पापी भाई यहाँ पर नॉक कर चुके हैं जिहादी 313 को। मुजू मेरे ख्याल अपने टीम में उसको बड़े जल्दी रिवाइव कर देंगे, लेकिन भाई वहाँ पर देखना रश करने की कोशिश करती है, जी हाँ वहाँ पर रश करने की पूरी पूरी कोशिश। और एक टीम में किल चढ़ा दर भाई वहाँ पर कुछ तक फिनिश हो चुके हैं, किल चढ़ा ने वहाँ पर नॉक किया, रोमन भाई ने वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, रोमन भाई भी। और देखना होगा जो कि उनके भाई डी भाई वहाँ पर टीम में बैठा रखे हैं वहाँ पर नॉक कर चुके, तीन टीम हम जिहादी 313 और मुजू दो टीम में बैठ रखे हैं, एक टीम हम नॉक कर चुके हैं एस टी डी के मैम, तो वहाँ पर नॉक हो चुके हैं। पापी भाई आया, मुजू भाई मेरे ख्याल से उनको नॉक करने जाएंगे, मुजू भाई के कैमरा का दिया जिन नहीं भाई, पापी भाई काफी कड़ा खेल चुके हैं, काफी ज्यादा पाप कर चुके हैं टीम नंबर 5 को भाई मार कर, इन्होंने पापी पाइप कर दिया है यहाँ पर। इतने ज्यादा पाप मत करें आप पापी भाई, वैसे किल तो इनका एक ही है लेकिन टीम के पूरे 6 किल हो चुके हैं, तो भाई यहाँ पर आप काफी तकड़ा कर दिया। घोष्ट भाई और की फाइट हो चुकी है, तो भाई उनकी तरफ भाई जरूर चलिए, जो घोष्ट की टीम काफी अच्छा खेलती है, जो कि अपनी घोष्ट की टीम उनकी टीम की तरफ घोष्ट रघु घोष्ट राज टीम नंबर 21 के मेंबर्स घोष्ट रियाज घोष्ट इस्माइल उनके भाई वहां पर नॉक पड़े हैं, और उनकी फाइट हो रही है टीम वहाँ 25-7 जो कि भाई आशा ने कहने भाई देखना होगा। टीम वहाँ 25 में सीधा रश करते हुए घोष्ट की टीम के ऊपर, घोष्ट इस्माइल को रिवाइव नहीं दिया गया, सीधा रश कर चुके टीम नंबर 25 टीम नंबर 25 के टीम में स्टंट को स्टंट फिनिश कर दिया गया, और भाई टीम नंबर 25 के और टीम में नॉक कर दिया गया। टीम नंबर 21 के घोष राज भाई भी वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, घोष रघु नॉक हो चुके हैं, घोष इसमें पहले से नॉक पड़े हैं, टीम नंबर 25 के मामले और घोष की पूरी लाइन को भाई वाइप कर चुके हैं भाई वहाँ पर, क्या ही बात है अकेले भाई 1v3 करते हुए अपने टीम नंबर 25 के मामले से, और अपने एक टीम में उसको गवा दिया, लेकिन भाई अपने एक टीम में उसको भाई बचा लिया जाएगा बड़े इजिली भाई वहाँ पर रिवाइव दे चुके हैं अपने एक टीम में उसको। और भाई देखना होगा फिलहाल किसी और टीम के बीच अगर कोई और टीम क्लोज करती है तो भाई यहाँ पर उनके फाइट हम जरूर दिखाने जाएंगे। फिलहाल देख लिया टीम नंबर 23 के मेंबर काफी ज्यादा क्लोज हैं, तो भाई उनकी तरफ जरूर चले जाए M6 हक्की की टीम, और सामने उनका टर्बो का पूरा क्लैन, तो भाई यहाँ पर देखना होगा टर्बो के चारों टीम मेंबर्स आ रखे हैं, और सामने M6 हक्की हैं, और भाई यहाँ पर 4F गगन, तो यहाँ पर अल्ट्रा भाई, तो भाई यहाँ पर सभी टीम मेंबर्स टीम मैक्स एन के ओपी, सामने नेड वगैरह का माहौल करते हुए भाई हाइड्रा टर्बो भाई ने दिया है टीम मैक्स एन के ओपी भाई को स्प्रे, जो कि पॉइजन का, लेकिन वहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ, सामने से वो भी भाई स्प्रे देते हुए काफी कड़ा भाई स्प्रे स्प्रे का मामला चल रखा है। भाई यहाँ पर देखना कौन सी टीम भाई यहाँ से फिनिश होकर जाती है, जैसा कि भाई आप सबने पहले भी देख रखा, वैसे M6 की भाई और की टीम यहाँ पर काफी अच्छा खेलती है, लेकिन M6 की के मुझे नहीं लगता भाई ये टीम मेट्स है, मुझे लगता है रैंडम हो सकती है। अल्ट्रा भाई और को मैंने इनके साथ खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन M6 की भाई काफी ज्यादा अच्छा खेलते हैं, और देखना होगा भाई कितना अच्छा खेल पाते हैं सामने। फिलहाल देखना होगा भाई उनकी टीम में स्कोर भाई किसी और टीम के बीच भाई देख लिया, अगर भाई कोई टीम क्लोजिंग करती है तो भाई उनकी टीम का भी हम फाइट वगैरह जरूर दिखाना चाहेंगे। और SGFZ की टीम सीधे ही पहुंच चुकी है याशियाना के अंदर, मतलब क्या ही कैडा खेल रही है ये टीम, याशियाना के अंदर जाकर पहुंच चुकी है, और याशियाना के अंदर मेरे ख्याल से क्या ही बात है, जी हाँ वहाँ पर याशियाना के अंदर जाकर बैठ चुकी है, और मैं स्पॉट करने की कोशिश करती हूँ लेकिन टीम नंबर 25 स्पॉट वगैरह नहीं, और भाई वहाँ पर देख रहा हूँ W4YT और की टीम वहाँ पर फाइट हो चुकी है, जो टीम नंबर 10 के मेंबर्स हैं W4YT विंस टीम नंबर किसी एक गाड़ी के भाई उन्होंने गाड़ी ही ब्लास्ट कर दी PBX1 गुरी, और जो कि भाई PB10 लक्की भाई थे उनके भाई लेजेंड ग्रुप 2, और भाई वी आर ने की उनकी पूरी टीम को भाई वाइप कर चुके हैं भाई, क्या ही बात है 4 किल भाई यहां पर, और भाई 4 किल किसके हैं देख लिया जाए। फिलहाल उनकी टीम में से W4 एक जोकर जोकर भाई का ओडिन भाई के भी होंगे कुछ किल जहां तक मुझे लगता है, जी हाँ 3 किल तो W4YT विंस भाई को ही आए हैं, जो कि भाई अकेले मेरे ख्याल से वहाँ पर 1v3 वगैरह उन्होंने किया। और भाई यहाँ पर वापस से देखना होगा हमें अल्ट्रा भाई और टीम की तरफ, तो भाई देखना होगा वहाँ पर टीम नंबर हाइड्रा टर्बो भाई वहाँ पर नॉक पड़े सामने एलेक्स गेमिंग उनके अल्ट्रा भाई नॉक हो चुके टीम नंबर 23 के मेंबर्स वहाँ पर, क्या ही बात एक टीम हम सोलह गैलेक्सी टर्बो भाई भी नॉक हो चुके हैं, एलेक्स गेमिंग वाई टी भाई यहाँ पर बच रखे हैं टीम मैक्सिम के, टीम हम उनको बचाने के लिए आते हैं, और भाई मुझे लगता है भाई को वहाँ पर बचा पाएंगे हम भाई को हम सकते हैं। और बड़े इजी भाई वहाँ पर वाइप कर चुके हैं वहाँ पर उनकी टीम को, यहाँ पर टर्बो की भाई वाइप टीम को वाइप कर चुके हैं बड़े इजीली, लेकिन भाई अपने किसी भी टीम मेंबर्स को जो कि दो टीम मेंबर्स थे उनके अल्ट्रा भाई और जो कि M6 की भाई उन दोनों ही टीम मेंबर्स को नहीं बचा पाया, अपने दोनों टीम मेंबर्स को गवा दिया उन्होंने 4 टीम मेंबर्स किल लेने के, और उसमें भाई 4 टीम मेंबर्स को किल कर चुके हैं लेकिन अपने 2 टीम मेंबर्स वहाँ पर गवा चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी भी भाई उनके पास चांस है, और भाई यहाँ पर एक टीम और अट्रैक्ट होती हुई टुन टुन भाई और की टीम जो कि ब्रिज क्रॉस कर रही है, मतलब इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई वो ब्रिज क्रॉस कर रही है वो टीम, और भाई देखना टीम है 25 के मेंबर सामने दिल लेटते हुए फाइट किल शॉट मैग्नेट की टीम के साथ, क्या ही बात है
और भाई वहाँ पर उनके टीम मेंबर्स फिलहाल यहाँ पर देख लिया, टीम नंबर 25 के भी एक टीम मेंबर्स नॉक हो चुके थे, टीम नंबर किलशॉट मैग्नेट भी भाई नॉक हो चुके थे, टीम नंबर 17 के टीम मेंबर्स भी भाई नॉक हो चुके थे वहाँ पर। और भाई किसी टीम के बीच अगर क्लोज इन होता है तो भाई वहाँ पर भी जरूर दिखाएंगे, जो भी टीम नंबर जो कि टीम मैक्स भाई और थे उनको भाई वाइप कर चुके, टीम नंबर 18 के मेंबर्स, टीम नंबर जो कि 25 में गए थे वहाँ पर नहीं 25 नहीं भाई यहाँ पर एक टीम थी जो कि एम सिक्स की टीम थी, उनको पूरी तरीके से भाई वाइप किया जा चुका है। एम सिक्स की टीम को तो भाई यहाँ पर देखने वाले जो टीम नंबर 23 से उनको पूरी तरीके से वाइप किया जा चुका है, जो कि वापस भाई चलना टीम वहाँ पर 26 के मामले की तरफ, जो टीम नंबर 17 के बीच जो कि फाइट हो रही थी भाई वापस उनकी तरफ देख लिया, वहाँ पर सिर्फ दो टीम मेंबर्स बच रखे हैं टीम नंबर 25 के, और भाई सामने पूरे चारों टीम मेंबर्स लाइव और भाई काफी अच्छे खेलते हुए सभी टीम मेंबर्स, देखना होगा भाई आज का चिकन लेकर कौन सी टीम जाती है। और भाई यहाँ पर काफी अच्छा भाई फिलहाल खेलते हुए काफी कड़ा खेलती हुई सभी टीम है, और भाई देखना होगा यहाँ पर वापिस से एक बार टीम नंबर 1 के जो कि मेंबर्स वो अकेले ही भाई वहाँ पर कैंप करते हुए, लेकिन उनके पास मुझे लगता है वहाँ पर कोई आएगा, वहाँ पर काफी शेडी लूट वगैरह ड्रॉप करके बैठे हैं, लेकिन भाई यहाँ पर कोई नहीं आएगा उनके ड्रॉप की लूट लूट लेने के लिए, तो भाई अकेले ही लूट लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और फिलहाल देखने को वापस से भाई हमें वापस जो टीम नंबर 25 की तरफ ही चल लिया जाए, या फिर एक बार उनकी टीम क्लोज इन कर रही है टीम नंबर 20 की टीम मेंबर्स वहां पर क्लोज इन कर चुके हैं तरफ से, तो भाई यहाँ पर देखना सामने दिया गया स्प्रे किस टीम मेंबर्स को, भाई यहाँ पर देखना उनकी टीम भाई देती हुई स्प्रे एक दूसरी टीम को, भाई यहाँ पर देखना टीम नंबर 10 के साथ उनकी फाइट वगैरह हो रही थी, भाई वहाँ से निकल गए क्या ही बात है, वहाँ पर W4YT कुछ मेंबर्स भाई यहाँ पर नॉक वगैरह डाल चुके हैं, W4YT जोकर भाई यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, क्योंकि टीम में बस मेरे ख्याल से वहाँ पर कवर देने के लिए आना चाहेंगे, W4YT जो कर भाई को वाइप किया जा चुका है, और W4 Lee भाई को वहाँ पर पूरी तरीके से वाइप किया जाएगा। और भाई देखना होगा SDF की टीम मैम्स वहाँ पर मेरे ख्याल थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी है, और मेरे ख्याल से उन्होंने नॉक भी डाला है जी, यहाँ पर एक टीम मैम्स को नॉक कर चुके हैं, टीम आप बीच के IM Noob सामने देते हुए W4YT Lee भाई को भाई वहाँ पर नॉक कर दिया गया, आइकॉनिक टीम में वन के मैम्स को भाई पूरी तरीके से वाइप कर दिया गया, EVLOP आइकॉनिक भाई की जो टीम थी W4YT विंस, और भाई उनके टीम मेंबर्स जो कि ओडिन भाई थे दोनों ही टीम में भाई एक तरफ से क्लोजिंग करते हुए टीम में 20 के ऊपर, और मेरे ख्याल से वहाँ पर वगैरह देना चाहेंगे टीम 20 के मेंबर्स को, वहाँ पर भाई यहाँ पर देखना जहाँ टीम में 20 के मेंबर्स को वहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश करते हुए, भाई वहाँ पर जो उनके मेंबर्स को देखने वाइट के मेंबर्स उनके पहले से नॉक पड़े हैं, और कुछ टीम मेंबर्स को वहाँ पर काफी कड़ा स्प्रे देते हैं, और भाई यहाँ पर देखना होगा MPL तो भाई उनके टीम मेंबर्स को देख लिया सामने नेट वगैरह करने की कोशिश करते हैं, भाई SDFZ टीम एक तरफ से इनके ऊपर थर्ड पार्टी करने की पूरी पूरी कोशिश करती है, SDFZ भाई यहाँ पर मिनी का स्प्रे देते हैं, टीम नंबर 25 भाई यहाँ पर मिनी के क्लोज है, तो भाई यहाँ पर देखना होगा सभी टीम में याशाना से ज्यादा दूर नहीं है, याशाना से काफी थोड़ा हल्का सा ही दूर है जोन, तो याशाना की जितनी भी टीम है भाई जो कि तीन टीम है आशियाना के अंदर, आशियाना के आसपास भाई चार टीमें सर्कल से बाहर हैं, तो सभी टीमों को जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर, भाई एक टीम जो कि फार्म के पास उसको भी सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, टुन टुन और भाई जो कि एसटीडी की टीम है उनको भाई जो कि टीम नंबर 18 है उसको भी सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, फिलहाल सामने स्मोक वगैरह मेरे ख्याल से कुछ टीम जहाँ पर गाड़ी उठाने के लिए SDFZ ने वहाँ पर स्मोक किया है, गाड़ी उठा चुके हैं, भाई उस टीम को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा जो कि काफी अच्छी बात है, फिलहाल देखना होगा भाई यहाँ पर सर्कल के अंदर सामने निकलेंगे, और भाई हो सकता है टीम नंबर 20 के साथ इनकी भाई थोड़ी फाइट हो जाएगी, टीम नंबर 20 भाई वहाँ पर फुल्ली तरीके से सर्कल के अंदर है, टीम नंबर 10 के वहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश करते हैं एक तरफ से जो कि W4YT विंस भाई है, और जो कि उनके ओडिन दो टीम में हम बच रखे हैं, फिलहाल सामने निकलना चाहेगी ये टीम भी भाई यहाँ से जी यहाँ पर गाड़ी में बैठ चुकी है पूरी टीम और निकलती है, और भाई यहाँ पर जो कि इनकी टीम भाई आज की एक तरफ से SDFZ की टीम भी भाई यहाँ पर एक तरफ से क्लोजिंग कर चुकी है, और भाई मेरे ख्याल सीधा ही जी हाँ वहाँ पर उसके पीछे जी हाँ अकेले टीम में बच रखे थे जो भाई उनको रिवाइव वगैरह कर चुके हैं, वहाँ पर W4YT मींस भाई को वहाँ पर मेरे रिवाइव वगैरह दे दिया गया, और सामने किलशॉट मैग्नेट भाई उनकी पूरी टीम आज के सामने जी हाँ रिवाइव कर चुके हैं W4 जो कि SDFZ भाई वहाँ पर क्या बात है W4YT मींस भाई पीछे से एक तरफ से भाई वहाँ पर उनको स्प्रे मेरे ख्याल से दे चुके हैं जहाँ तक मुझे लगता है, तो भाई यहाँ पर देखना होगा ओडिन भाई दो टीम मेंबर्स बच रखे हैं सामने किलशॉट मैग्नेट उनकी पूरी टीम बच रखी है चारों टीम मेंबर्स भाई अलाइव है, और काफी अच्छा खेलती हुई है टीम,
कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा जमा रखा उस टीम ने, जो किल शॉट की टीम है, एसजी एब्जर्ड, किल शॉट मैग्नेट, रेड आदि, और जो जो कि उनके एसिड पाइथन भाई हैं और एसिड विजार्ड भी कभी कभार उनके साथ खेलते हैं। फिलहाल यहाँ पर काफी कड़ा स्प्रे सामने दिया गया, किल शॉट मैग्नेट को स्प्रे दिया गया, लेकिन नहीं भाई वहाँ पर एसजी एब्जर्ड वहाँ पर काफी कैडी मिनी चलाते हुए एक टीम मैम को भाई उनके नॉक कर चुके हैं। सामने मेरे का सीधा रश वगैरह करना चाहेंगे जी, अपने टीम मैम के ऊपर स्मोक वगैरह किया ताकि भाई अपने टीम मैम को बचा सके, लेकिन वहाँ पर उनकी टीम काफी कड़ा खेलती है, गाड़ी लेकर सीधा ही रश करना चाहिए जहां तक मुझे लगता है जी। हाँ फिलहाल वहां पर अपने टीम मैम्स को रिवाइव दे देंगे बड़े इजीली, क्योंकि उनके ओडिन भाई अपने टीम मैम्स को बड़े इजीली रिवाइव देते हैं, लेकिन देखना वो टीम भाई इनको क्लोज इन ना कर दे गाड़ी उठाकर, जो कि भाई काफी अच्छा खेलती है उनकी टीम, और भाई गाड़ी उठाने लेकिन भाई हील कर चुके हैं डब्ल्यू फोर वाइट इवेंस भाई रिवाइव हो चुके हैं बड़े इजीली, और भाई वहां पर हील वगैरह करते हो भाई इस टीम को भाई पीछे जाती हो, भाई इनके पीछे से आ रही है टीम नंबर 8 जो कि भाई इनके साथ फाइट ले, टीम नंबर 8 भाई उन्हीं घरों पर आ रही है जिन घरों पर जाने की कोशिश करती है टीम नंबर 10, और टीम नंबर 10 के ऊपर बड़े इजीली भाई वहां पर वाइप वगैरह कर सकते हैं टीम नंबर 8 के मैम्स, अगर सपोर्ट कर ले उन्हें टीम नंबर 8 के मैम्स, टीम नंबर 10 के मैम्स को बड़े इजीली सपोर्ट कर सकेंगे भाई जिस साइड से आ रहा है इनका बैक, क्योंकि भाई वो सामने टीम नंबर 10 को नहीं पता कि उनके बैक साइड से भी कोई टीम आ रही है, तो भाई इसलिए बड़े जो है वहाँ पर वाइप वगैरह हो सकते हैं। फिलहाल देख ले जाए वहाँ पर रेड जोन भी है, तो भाई रेड जोन किसी के ऊपर गिरे ना, देखना होगा भाई वहाँ पे एक टीम और भाई वहाँ पर काफी क्लोज से गुजरे टीम नंबर 12 जो कि भाई वहाँ पर टीम नंबर 21 भाई उनकी टीम के काफी क्लोज से गुजरे, जो कि ड्रॉप लूटने के लिए आई थी शोला यान भाई को वहाँ पर उतार लिया गया है, क्या ही बात है। टीम नंबर 12 के एक टीम मैम्स को भाई उतार लिया गया चलती गाड़ी से, दूसरी टीम मैम्स को काफी कड़ा स्प्रे और जिस तरफ वो जा रही है, लेकिन भाई अपने टीम मैम्स को बचाने के लिए जाती है ओडिन भाई वहाँ पर नॉक कर चुके हैं टीम मैम्स को, तो यहाँ पर देख लो उनकी गाड़ी भाई ब्लास्ट होने वाली है दोनों ही तरफ से भाई, फर्स्ट चुके टीम नंबर 12 के मेंबर्स और शो शो बेच भाई भी वहाँ पर मेरे नॉक हो सकते हैं, जहाँ टीम नंबर 12 के टीम मैम्स को नॉक कर चुके हैं रेड आदि भाई टीम मैम्स, और भाई देख लीजिए फिलहाल उनकी टीम मैम्स वहाँ पर नॉक वगैरह, टीम नंबर 18 के मैम्स को क्लोजिंग करते हैं अयान भाई को वहाँ पर पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया एसटीडी की टीम के मामूस की तरफ से, टीम नंबर 12 के मामूस को वहाँ पर काफी कड़ा स्प्रे, उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है और भाई उसमें इतना फ्यूल सॉरी एक दो बुलेट्स और भाई उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, और भाई वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अपनी गाड़ी, लेकिन भाई अब तक उन्हें उतर जाना चाहिए था जी, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी नहीं छोड़ी, लेकिन भाई गाड़ी से कूद कर नॉक जरूर हो गए, और भाई गाड़ी के पास टीपी भी लेते हो, भाई उस गाड़ी पे लिटरली एक दो बुलेट पड़ेगी और भाई वो नॉक जिन नहीं भाई फिलहाल काफी अच्छा, लेकिन भाई वहाँ पर उनके आइकॉनिक की भाई टीम जो कि भाई उनके ईविल ओपी आइकॉनिक उनकी टीम अगर सपोर्ट कर लेती है तो भाई यहाँ पर नॉक वगैरह हो सकते हैं, लेकिन भाई नहीं अपने टीम मैम्स को मेरे ख्याल से बड़े जल्दी रिवाइव वगैरह दे देंगे, जहाँ स्मोक वगैरह कर चुके हैं अपने टीम मैम्स को बड़े जल्दी भाई रिवाइव दे दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देख रहा हूँ टोटल 8 टीम बचे हैं, 24 बंदे अलाइव बचे हैं, और भाई यहाँ पर इनके क्लोज कर चुके टीम नंबर 7 इनके ऊपर क्लोज इन कर चुकी है एक तरफ से, भाई यहाँ पर देख रहा हूँ टीम नंबर 7 के मैम्स, तो भाई यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे ख्याल से जहाँ सामने नेट वगैरह करने की कोशिश करते हुए मिस्टर करम और भाई उनके जो कि यूनिटी गुलजार यूनिटी एमएसडी, लेकिन भाई यहाँ पर कोई नहीं था, टीम नंबर 18 के मैम सब आ चुके हैं भाई, तो भाई दोनों टीमों के बीच आमने सामने में फाइट देखने के लिए मिल सकती है, तो भाई यहाँ पर देख रहा हूँ कौन सी टीम भाई यहाँ से भी नौकर निकलेगी, सामने दिया गया काफी कड़ा स्प्रे एसटीडी के एक टीम हम लोग कर चुके हैं, यूनिटी गुलजार भाई वहाँ पर नौकर चुके हैं, मिस्टर अकरम वहाँ पर नौकर चुके हैं, और देख रहे हो सामने दो टीम नाम भाई बच रखे हैं, सामने टुन टुन भाई टीम नंबर 18 का दो टीम भाई उनकी पूरी टीम फिनिश, टीम नंबर यूनिटी गुलजार भाई को वहाँ पर बड़ी जल वाइप वगैरह किया जा चुका है, भाई देख रहे हो उनके टीम नाम काफी कड़ा खेलते हुए टुन टुन भाई और काफी कड़ा खेलते हुए 17 किल भाई अब तक कर चुके हैं ये टीम, और भाई देखने को यहाँ पर काफी कड़ा खेल रही है भाई कुछ ज्यादा ही कड़ा खेल रही है टीम एसटीडी भाई का, और भाई ओपी टीम 12 के टीम मैम्स को भाई नॉक किया गया, तो भाई यहाँ पर देखा उनके टीम मैम्स को भाई नॉक कर दिया गया टीम 12 के मैम्स को, भाई मुझे लगता है भाई उनको रिवाइव दिया जाएगा, लेकिन उनके बाकी टीम मैम्स भाई कहाँ है तो भाई देख लिया बाकी की टीम आपसे मेरे ख्याल से फिनिश हो गई टीम नंबर 12 के जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन भाई उनका किल फिट पड़ने में हमसे थोड़ी देरी हो गई, जहाँ टीम 12 के दोनों टीम मैम्बर जो कि मर चुके हैं, निखिल भाई थे और भाई एक और थे उनके जो कि, तो वो देखने को भाई और दोनों टीम मैम्स भाई मर चुके, टीम नंबर 11 एक तरफ से क्लोज काफी ज्यादा क्लोज है टीम नंबर 11, टीम नंबर 24 के टीम नंबर 24 के ऊपर भाई, तो अगर थोड़ा सा ऊपर जाए ओपी लूसीफर भाई उनको बड़े इजीली स्पॉट वगैरह कर सकते हैं, और कार 92 उनके हाथ में मैक्स ओपी भाई को दे सकते हैं, लेकिन भाई ईवी ओपी भाई को पड़ा एक ओम का फटका, और भाई यहाँ पर अगर मैक्स ओपी भाई को पड़ जाए पीछे तो ओम का फटका, और किल शॉट मैग्नेट भाई यहाँ पर नॉक कर चुके टीम नंबर 8 के कुछ मेंबर्स को, टीम नंबर 8 भाई पूरी तरीके से वाइप हो चुके, क्या बात नहीं गाड़ी वगैरह ब्लास्ट कर दिया जाए जेड की टीम ने, बहुत ही कड़ा खेलती है भाई ये टीम, तो भाई देख लिया 7 किल फिलहाल इस टीम के, लेकिन काफी ज्यादा बढ़िया खेल रही है भाई उनकी पूरी टीम भाई, टीम नंबर 8 थी भाई उनको पूरी तरीके से वाइप कर चुकी है ये टीम, और भाई वापिस से चल लिया जाए टीम नंबर 18 की तरफ जो कि भाई टुन टुन भाई और की टीम, वो भी काफी कुछ ज्यादा ही कड़ा खेल रही है आज टुन टुन भाई और की टीम, लेकिन भाई देखना होगा कि भाई जीत कर कौन निकलता है, और ईवी लोपी भाई के पास हेलमेट ही नहीं रहा, तो भाई यहाँ पर देखना होगा सामने भाई फाइट लेते हुए टीम नंबर 25 के मेंबर्स के साथ, टीम नंबर 25 के मेंबर्स एक तरफ सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, टीम नंबर 11 के मेंबर्स से मेरे ख्याल से एक तरफ स्प्रे वगैरह दे सकते हैं, और भाई क्या बात है डेंजर ओपी भाई ने डेंजर ओपी भाई को पड़ा एक और ओम का फटका, काफी कड़ा खेलते हुए टीम नंबर 18 के मैम्स, और भाई उनका मेरे ख्याल से हेलमेट तो खैर बच रखा है, लेकिन मैं देखना वो कितना बच रखा है डेंजर ओपी भाई का हेलमेट, लेकिन मेरे ख्याल पूरी तरीके से वाइप जी हाँ वहाँ पर बिल्कुल,
और भाई एक टीम हम वहीं पर रुके हैं स्नाइपिंग के लिए, तो काफी अच्छी बात है। तो भाई देखना वहां पर एक टीम हम स्नाइपिंग के लिए रुक चुके हैं, लेकिन भाई जिस तरफ जा रही है उस तरफ पहले से टीम 25 के मेंबर्स मेरे ख्याल से उनका वेट वगैरह कर रहे हैं। टीम 25 के मेंबर जी वहां पर सामने स्प्रे देना चाहेंगे टीम 25 के, एक टीम हम उसको वहां पर क्या, टीम 25 के एक टीम को दिया गया स्प्रे काफी कैडा, लेकिन वहां पर देखना टीम 25 के दोनों टीम वहां पर जी नहीं, एक टीम उसको पूरी तरीके से वाइप कर, क्या ही बात है, किल चोरी वहां पर ईवी लोपी भाई ने किया किल चोरी और बहुत ही बड़े भाई। टीम 25 के मेंबर्स भाई एक तरह से फंस चुके हैं, अगर भाई वो टीम नंबर 18 को मारते हैं तो भाई पीछे से दूसरे टीम मेंबर्स भाई उनको मारेंगे, लेकिन भाई अगर वो टीम नंबर 5 को मारते हैं तो टीम नंबर 18 के मेंबर्स उनको मारेंगे। तो भाई अगर दोनों ही टीम मेंबर्स भाई उनको सपोर्ट कर लेते हैं तो भाई उनके लिए कवर लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्लस स्मोक कर चुका है उनमें, जैसे कि मैंने कहा था डेंजर ओपी भाई ने दिया M24 का फटका, जैसे ही अगर भाई टीम नंबर 18 को मारते हैं तो भाई वहां पर दूसरी टीम भाई उनको सपोर्ट कर लेती है, तो भाई इसलिए बड़े वहां पर उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो गई। लेकिन टीम नंबर 11 की तरफ से क्लोजिंग करती हुई और ईवील ओपी डेंजर और मैक्स ओपी भाई उनके लिए हो सकता है खतरा, उनको जा सकता है प्रोन एंड स्प्रे, और भाई यहाँ पर देखना हो काफी कड़ा स्प्रे भाई को गया था स्प्रे, लेकिन भाई वहां पर अगर प्रोन करके थोड़ा स्प्रे दे देते अपने ओपी लूसिफर भाई तो मैक्स ओपी भाई वहां पर नॉक हो सकते हैं, लेकिन भाई उन्होंने नहीं दिया, पीछे से अब काफी ज्यादा दिक्कत आना पड़ी है और ओम का फटका पड़ चुका है मैक्स ओपी को, जैसे कि मैंने कहा था इनका भाई सैंडविच होने वाला है। ईवी लोपी अपनी टीम देने के लिए जाते हैं, लेकिन भाई टीम नंबर 18 के वहां पर उनको ओम का फटका चिपका सकते हैं, लेकिन भाई फिलहाल नहीं चिपकाती है ईवी लोपी भाई को ओम का फटका सामने दिया गया काफी कड़ा स्प्रे देखना भाई टीम वगैरह का काफी कड़ा स्प्रे देते हुए फिलहाल वहां पर पैडे के पास फायदा नहीं उनकी टीम स्प्रे देने का, लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए मैक्स ओपी भाई नोक पड़ेगी, बड़ी रिवाइव मिल जाएगा क्रिस्टल माइनेट टीम और मैक्स ओपी भाई को वापस नोक किया गया ईवी लोपी मेरे ख्याल से नहीं जाकर कवर ले चुके, तो यहाँ पर देखना होगा ईवी लोपी भाई यहाँ पर क्या कुछ कर पाते, फिलहाल सामने वापस नोक किया गया अपने टीम को बचाने के लिए ईवी लोपी भाई वहाँ पर लिटरल काफी ज्यादा लो हो चुके हैं, सबसे पहले ही लगाना चाहेंगे ईवी लोपी और भाई देख ले जाए ईवी लोपी भाई वहाँ पर डेंजर ओपी भाई को नोक कर दिया गया ओपी लूसिफर भाई की तरफ से, काफी कड़ा खेलती हुई वो टीम टीम नंबर 11 जो कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर कर रही है वो भाई काफी कैडा ही जो कुछ खेल रही है भाई देखना उनकी टीम हम आइकॉनिक दो टीम हम उनको बच रखे हैं मैक्स ओपी ईवी लोपी दोनों टीम हम सुनो खोज कर भाई आप देखना आइकॉनिक अपनी टीम से अकेले बचे हैं और मुझे लगता है भाई यहाँ पर ज्यादा कुछ कर पाएंगे। डेंजर ओपी भाई को वहाँ पर रिवाइव देने के लिए जा चुके हैं, सामने देखना टीम नंबर 11 के मामले भाई फुल तरीके से इनको थर्ड पार्टी कर चुके हैं और भाई देखना सैंडविच हो चुके हैं यहाँ पर टीम नंबर 18 के मामले, 17 के मामले चारों टीम बच रखे हैं, टोटल चार टीम बच रखे हैं, चारों टीम मेंबर्स फिलहाल चार जो कि चारों टीम बच रखे हैं भाई यहीं पर हैं और भाई का देखना होगा फिलहाल सभी टीमों को भाई सर्कल के अंदर जाना होगा, टीम नंबर 17 को भी सर्कल के अंदर आना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर देखना फिलहाल गाड़ी वगैरह में बैठ चुके होंगे, क्या ही बात है, फिलहाल देख लीजिए वो टून टून भाई और की टीम टीम नंबर 18 भाई उनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा और वो टीम एक तरफ से बैठती ईवी लोपी भाई, क्या ही बात है, टून टून भाई वहां पर ईवी लोपी का वहां पर उनका किल जो कि था उनको कन्फर्म हो चुका है और डेंजर ओपी और जो कि आइकॉनिक भाई थे वो शेल्टर के अंदर जाकर बैठ चुके हैं जो कि उनके अंदर भाई सर्कल है, तो भाई इसलिए बड़ी इसलिए भाई वहां पर जाकर बैठ चुके हैं, सामने स्प्रे वगैरह दिया गया यमराज भाई वहां पर नॉक हो चुके हैं, क्या ही बात है, यमराज भाई को नौकर दिया गया जो कि मेरे ख्याल से टीम नंबर 11 के मेंबर्स थे भाई, मुझे लगता है उनको फिनिश भी किया जाएगा, जैसे कि मैंने कहा था फिनिश भी भाई बड़े जल्दी कर चुके हैं उनके टीम मेंबर्स, काफी कड़ा खेलती है भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कड़ा खेली है स्टडी की टीम, अब तक भाई 20 किल कर चुकी है इनकी टीम, काफी ज्यादा कड़ा खेलती हुई और भाई देखना होगा उनके टीम मेंबर्स सामने दिया गया लेकिन भाई हमारे को फायदा नहीं, फिलहाल यहाँ से निकलना चाहेगी वो टीम, लेकिन जिस तरह वो टीम जा रही है टीम नंबर 17 भाई उनको स्प्रे दे सकती है और टीम नंबर 17 भाई वहाँ पर उतार लेगी उनकी टीम मेंबर्स, जैसे कि मैंने कहा था और भाई उनकी पूरी टीम वाइप, मतलब काफी कड़ा खेली थी वो टीम लेकिन भाई उनकी पूरी टीम वाइप हो गई, ओपी लूसिफर भाई को इंस्टेंट फिनिश कर दिया गया, दर्द की टीम बहुत ही कड़ा खेल चुकी है टीम अब तक 11 किल कर चुका है भाई यहाँ पर देखना होगा, टीम नंबर 11 के अकेले टीम हम बच रखे हैं एसिड पाइथन उनके सामने ईवी ओपी और जो कि भाई उनके डेंजर ओपी और आइकॉन दो टीम हम बच रखे हैं, फिलहाल यहाँ पर देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं एसिड पाइथन सामने और एसिड पाइथन भाई हम बड़े जल्द वाइप कर चुका है भाई देख ले जाए डेंजर ओपी और आइकॉनिक भाई के कैमरा एंगल से दिखा दिया जाए क्योंकि दो ही टीम मेंबर्स बचे हैं और सामने चारों टीम मेंबर्स भाई बच रखे हैं, मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पर ज्यादा कुछ कर पाएंगे, फिलहाल देख लिया जाए जो कि उनके मेंबर्स सामने पूरी आज एफजेड किल शॉट मैग्नेट एसिड पाइथन रेड आदि भाई की टीम भाई चारों टीम मेंबर्स बच गए, फिलहाल हमें देखना होगा जीत कर कौन निकलता है, जहां तक मुझे लगता है भाई यही टीम जीतने वाली है, कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है टीम का और भाई काफी आज इनके जो गैस जी अब्जर्ड थे भाई वो वापस आ चुके हैं तो भाई इसीलिए वो बैक आ चुके हैं, तो भाई यहाँ पर वो कुछ बाहर काम गए थे तो भाई इसलिए आज बैक आए, तो भाई उसकी खुशी में चिकन डिनर तो बनता है, तो भाई यहाँ पर देखने को हमें वापस से देख ले जाए आइकॉनिक और डेंजर ओपी भाई की टीम, दो टीम हमसे बच रखे उनके मैक्स ओपी और ईवी ओपी जो कि भाई काफी कैडा उनका सैंडविच हुआ था थर्ड पार्टी, मतलब बहुत ही कैडी थर्ड पार्टी उनके ऊपर हुई और भाई जो गैस की टीम काफी अच्छा खेल रही थी लेकिन भाई उनको भाई चलती गाड़ी से उतार लिया गया क्योंकि सामने उन्हें पता नहीं था कि एसजे एफजेड की पूरी टीम है और जो कि भाई बड़े जिले उनको गाड़ी से ही उतार लिया गया, वरना का काफी कड़ा खेल रही थी वो टीम लिटरली और भाई यहाँ पर देखना उनकी टीम हमसे डेंजर ओपी और भाई उनकी टीम कैमरा से भाई दिखा दिया जाएगा हिसाब से आइकॉनिक और जो की डेंजर ओपी भाई कैमरा से दो ही टीम हमसे सामने भाई दिया M24 का फटका देने की कोशिश करते लेकिन भाई को फायदा नहीं हुआ, डेंजर ओपी भाई M24 का फटका देने की कोशिश कर रहे थे
और उस एम टू कोई फटका का मतलब नहीं बनता है वहां पर, क्योंकि सामने का वकड़ा खेलती हुई वो टीम सामने का सीधा ही रश कर रही है, वो टीम सामने उनकी रेडा एसिड जी वहां पर रश कर चुकी है एक टीम, और भाई देखना उनकी टीम एसिड पैथन रेडा दी टीम में भाई आज के सामने दिया गया काफी कड़ा स्प्रे एसिड पैथन भाई वहां पर काफी ज्यादा लो किया गया, और भाई यहां पर डेंजर अपने टीम सर्कल बचा और भाई उनको फिनिश कर चुके हैं, किसने किया रेड आदि भाई ने उनको फिनिश किया, तो कांग्रेचुलेशन फॉर किलशॉट मैग्नेट की टीम के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को पूरा वॉच करें क्योंकि भाई अगर आप 50 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट करा देते हैं तो भाई आपको कल के जो कि विनर होंगे उनको मिलेंगे 63 UC, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको कल के स्ट्रीम में, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स।